दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है और आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है अगर आप ऋतिक रोशन के फैन हैं तो। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं क्रिश 4 के बारे में और आपको बताएंगे कि आखिरकार ये फिल्म कब रिलीज की जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख रहे हैं टॉप अप इन फैक्ट्स, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिश की सारी जो फिल्में डायरेक्ट की गई हैं उसको डायरेक्ट किया है ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन ने, और उनकी अभी सर्जरी हुई थी, जैसा कि हम आपको बता दें कि उनको कैंसर हुआ था, इसी के वजह से ये फिल्म इतनी लेट हो चुकी है। अब आपको बता दें कि ये जो फिल्म है इसकी जो शूटिंग होगी वो जून 2020 से स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, गौर फरमाइएगा, जून 2020 से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी और ये फिल्म रिलीज की जाएगी आपको 2021 के एंड में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 2021 के लास्ट में आपको इस फिल्म को देखने का मौका मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों कि ऋतिक रोशन ने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा है कि जो क्रिश 4 की स्टोरी होने वाली है वो बहुत ही अप लेवल की होने वाली है, यानी कि नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। दोस्तों दर्शकों ने भी काफ़ी उम्मीद जताई है कि इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट होगी, स्टोरी होगी, वो अब तक की सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, स्टोरी इतनी ज़बरदस्त होने वाली है, सस्पेंस और जो एक्शन VFX इफेक्ट्स होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर ऋतिक रोशन ने खुलासा किया था कि बहुत ही अपर लेवल का होने वाला है। दोस्तों तो आपको देखने को मिलेगी ये फिल्म 2021 के एंड में, और आपको बताते चले कि उससे पहले जो ऋतिक रोशन है वो एक दो फिल्में और कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो कोई सी भी फिल्म हो सकती है, अभी उसका खुलासा नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं क्रिश 4 को लेके, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वहीं रोज के बॉलीवुड खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें टॉप अप इन फैक्ट्स, ताकि बॉलीवुड की हर खबर मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद।